प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, हमने जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से सरोवर टोल प्लाज़ा को लेकर जो गर्मा गर्मी है पूरे जम्मू में आपको देखने को मिल रही है, बट अफसोस हमारे भाइयों ने जब इसका पीड़ा उठाया तो उनको जेल का सामना करना पड़ा। आज इसमें कोई शक नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन को उनके सामने घुटने टेक कर उनको बाहर निकालना पड़ा, पर सरोवर टोल प्लाज़ा अभी भी वहीं पे है, अभी भी वहाँ पे टोल काटा जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से 3-4 दिन पहले ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने, आल जेएनके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक कॉल दी थी बंद की, तो एज ए ई रिक्शा यूनियन हम भी एक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा माना जाते हैं, तो आज हमने भी ये फैसला किया है कि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का परसों का जो चक्का जाम है, ई रिक्शा यूनियन भी उसको पूरी ओर सहयोग करेगी और जम्मू की आवाम के साथ जो जो कठिनाइयाँ जहाँ जहाँ जम्मू की आवाम चाहेगी ई रिक्शा यूनियन वहाँ पर उनके साथ छाना बछाना हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि परसों रक्षाबंधन का त्यौहार है, मैं तो रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा आल जेएनके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन साहब से कि अगर आपने इतने दिन वेट किया है तो अगर हो सके तो रक्षाबंधन हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार है, अगर आप उस दिन की जगह एक दिन आगे कर लीजिए तो ये आपका बड़प्पन होगा, क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन हमारे कई भाई बहनें ऐसी हैं जिन्होंने एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता बड़ी ज़रूरी है। ये मेरी एक छोटी सी सजेशन है कि अगर आपने 4 से 5 दिन ये बोलकर हमें सबको आपने मीडिया राइट बोला था कि हम पब्लिक के साथ चलने वाले लोग हैं, जहां आपने अमरनाथ जी यात्रा का हवाला दिया, बुढ़ा नाथ अमरनाथ जी का हवाला दिया, वैसे ही हमें जो लग रहा है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो 31 को आ रहा है, जो वीरवार को आपने बंद की कॉल दी है, अगर हो सके तो आप वीरवार की जगह शुक्रवार को आप कर लीजिए। ई रिक्शा यूनियन, जैसे कि हमने पहले भी बोला कि ये भी एक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है और ट्रांसपोर्ट का जहाँ भी चक्का जाम होगा जितने दिन के लिए होगा हम पुरजोर उनका सहयोग देंगे।